मैं चित्रसेन तिवारी मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को कक्षा 6, 7, 8 के लिए मैं संस्कृत अध्ययन करा रहा हूं। संस्कृत अध्ययन में हम लकार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। किसके बारे में? लकार के बारे में। लकार में भी लट लकार आपको करने बता दिया था, अब हम चालू किए हैं लिट लकार। लिट लकार भी 2 दिन आपको करके बताया हूँ, आज 2 धातु और करा दूंगा, उसके बाद दूसरा लकार हम चालू करेंगे। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। क्या होता है? भविष्यत काल। अब इससे पहले मैं आपको प्रत्येक लकार में सारणी एक लिख के बताता हूँ कि वो सारणी यदि हमें याद है तो हम कोई भी लकार बिना याद किए उसको बना सकते हैं। पहले ये लिखेंगे वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। उसके बाद में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। 3 वचन और 3 ही पुरुष। तो लिट लकार में भी मैं सारणी बताया था। सारणी इस प्रकार से है, इष्यति, इष्यतः और इष्यन्ति, ठीक है। उसके बाद में इष्यसि, इष्यतः और इष्यत, इष्यामि, इष्यामि, इष्यावः और इष्यामः, ठीक है। इष्यामः ये सारणी है। यदि हमें ये सारणी याद हो तो हमें लकार याद नहीं है तो भी हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आज हम पट धातु के बारे में पहले करके देखेंगे। हमें पट धातु का लकार, लिट लकार याद नहीं है और हमसे कह दे कि पट धातु का लिट लकार लिखो, हमसे ये कह दिया जाए, हमें याद नहीं है, ये सारणी याद है, ठीक है, तो हम बना लेंगे। पहले पूरा इसका तरीका, एक वचन, उसके बाद द्विवचन और फिर बहुवचन, तीनों वचन लिख देंगे, ठीक है। फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष लिख देंगे। उसके बाद हमें बनाना किसका है, यहाँ पे देखिए पट धातु का, तो 9 के 9 स्थान पे पहले हम लिख देंगे पट, पट, पट और पट, 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 पट और पट, यानी कि 9 के 9 स्थानों पर हम पट कर लिख दिए। हमें याद नहीं है, हमें सारणी याद है तो इस सारणी का हम अनुसरण करना चालू कर देंगे। प्रथम पुरुष के बाद एक वचन में क्या लिखा हुआ है? इष्यति, तो यहाँ पे इसके पीछे जोड़ते जाएंगे जो जो लिखा हुआ है। ई को सांकेतिक रूप में लिख देंगे, फिन आधा स, य, ति, बन गया पठिष्यति। द्विवचन में लिखा हुआ है इष्यत, ई को सांकेतिक रूप में लिख देंगे, फिन आधा स, य, त और विसर्ग, बन गया पठिष्यत। फिन इष्यन्ति, ई को सांकेतिक रूप में लिख देंगे, आधा स, य, आधा न और ति, बन गया पठिष्यन्ति। फिन मध्यम पुरुष में आ जाएंगे, दिया हुआ एक वचन में इष्यामि, ई को सांकेतिक रूप में लिख देंगे, फिन आधा स, या, मी, तो बन जाएगा पठिष्यामि। फिन दिया हुआ द्विवचन में पठिष्यतः, तो ई को सांकेतिक रूप में लिख देंगे, फिन आधा स, य, थ और विसर्ग, बन गया पठिष्यतः। फिन बहुवचन में है इष्यत, ई को सांकेतिक रूप में लिख देंगे, आधा स, य और थ, बन गया पठिष्यत। उसके बाद अब उत्तम पुरुष में एक वचन में दिया हुआ इष्यामि, ई को सांकेतिक रूप में लिख देंगे, आधा स, या, मी, तो क्या बन गया पठिष्यामि। द्विवचन में दिया हुआ इष्यावः, ई को सांकेतिक रूप में लिख देंगे, फिन आधा स, या, व और विसर्ग, बन गया पठिष्यावः। फिन इष्यामः,
ई को सांकेतिक रूप में लिख देंगे आधा स या म, बन गया पठिश्याम। इस प्रकार से हमें पट धातु का लिट लकार याद न होते हुए भी हमने बहुत ही सरलता से बना लिया। बाकी एक ये दिया हुआ इश, इसका भी हमें लिट लकार बनाना है। क्या लिट लकार, क्या बनाना है लिट लकार। तो ध्यान रखे आप कि दिया हुआ इस, लेकिन जब लकार बनाना चालू करोगे तो लट लकार में तो इसी चलता है, ठीक है, लेकिन जब इसी का लिट लकार बनाते हैं तो इसके स्थान पे एस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके स्थान पे किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, एस का। तो इसमें भी वैसे लिख दोगे एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन, तीनों लिख दोगे, फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ऐसे बना लोगे। उसके बाद नौ के नौ स्थान पे एक दो तीन, फिर यहाँ पे एक दो तीन, एक दो तीन, नौ के नौ स्थानों पे आप एस शब्द का प्रयोग करोगे, प्रत्येक जगह पे एस एस लिखोगे। उसके बाद इस सारणी का अनुसरण करके इसको पूरा करोगे। प्रत्येक के बाद में एस के बाद में मान लीजिए एक वचन में दिया हुआ ए, प्रथम पुरुष के एक वचन में इशति, तो जोड़ते जाओगे और जोड़ करके इसको आप स्वयं बनाओगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।